हेलो गाइस, ऑनलाइन कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज की टॉपिक है थर्मल मॉडल ऑफ मोटर फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। व्हेन एन इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑपरेट देयर इज ए जनरेशन ऑफ हीट इनसाइड द मोटर, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इनसाइड द मोटर शुड बी नोन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, दैट वाई थर्मल मॉडलिंग ऑफ मोटर इज नेसेसरी, द मटेरियल शेप एंड साइज ऑफ द मोटर आर नॉट निक्यू, बट द जनरेशन ऑफ हीट डज नॉट अल्टर वेरी मच डिपेंडिंग ऑन दिस पैरामीटर। सो ए सिंपल थर्मल मॉडल ऑफ एनी मोटर कैन बी ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग इट टू बी ए होमोजीनियस बॉडी, द टेम्परेचर राइज एज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ द आउटपुट पावर, इट पावर टी इज टर्म एज थर्मल लोडिंग ऑफ द मशीन विच इज अज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस बॉडी एंड द इलेक्ट्रिक ड्राइव कूलिंग मीडियम एज ए फ्लोइंग पैरामीटर एट टाइम। लेट द मोटर हैज फ्लोइंग पैरामीटर्स पी वन इक्वल टू हीट डेवलपमेंट जूल्स पर सेकेंड और वाट, पी टू हीट डिस्पैच टू द कूलिंग मीडियम वाट और जूल्स पर सेकेंड, ए इक्वल टू कूलिंग सरफेस मीटर स्क्वायर, थीटा इक्वल टू मीन्स टेम्परेचर राइज डिग्री सेल्सियस, एच इक्वल टू स्पेसिफिक हीट हॉट जूल्स प्रति किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डी स्पेसिफिक ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक हीट डिस्पेशन जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ द एक्टिव पार्ट ऑफ मशीन के जी। नाउ लेट द टेम्परेचर राइज ऑफ द मशीन बी डी थीटा इन टाइम डी टी, देयर फॉर हीट ऑब्जर्व इन द मशीन इक्वल टू हीट जनरेशन इनसाइड द मशीन माइनस हीट डिस्पैच टू बी टू द सराउंडिंग कूलिंग मीडियम, ठीक एयर। डब्ल्यू एच डी थीटा इक्वल टू पी वन डी टी माइनस पी टू डी टी, क्वेश्चन नंबर वन, पी टू इक्वल टू थीटा डी ए, क्वेश्चन नंबर टू, डब्ल्यू एच डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू P1 माइनस थीटा डी ए, क्वेश्चन नंबर थ्री, C d थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू P1 माइनस डी थीटा, वेयर C डब्ल्यू एच एंड D इक्वल टू डी ए, C इक्वल टू C इज द टेम्परेचर कैपेसिटी ऑफ द मशीन इन वाट प्रति डिग्री सेल्सियस एंड डी इज दैट हीट डिस्पैच कॉन्स्टेंट इन वाट पर डिग्री सेल्सियस, सी बाय डी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस थीटा माइनस पी वन अपॉन डी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन वी इक्वल द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन फोर वी गेट थीटा इक्वल टू थीटा एस एस प्लस के ई के पावर माइनस टी अपॉन टा, इक्वेशन नंबर फाइव, वेयर थीटा एस एस इक्वल टू पी वन डी इक्वल टू स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द मशीन व्हेन इट इज कंटिन्यूसली हीटेड बाई पावर पी वन एट द एट दिस टेम्परेचर,
all heat produced in the machine is dispatched to surrounding medium and data equal to C by D equal to heating time constant of the machine. Value of K is obtained by putting T equal to 0 in equation 5 when initial temperature rise is theta 1. Equation number 5 as solution H. Theta equal to theta SS 1 minus e to power minus t upon tau plus theta 1 e to power minus t by tau. In heating case, if machine starting for the cold theta 1 equal to 0, then theta equal to theta SS 1 minus e to power minus t upon tau. In cooling case, if machine is disconnected from supply, there will be no losses taking place, so final temperature rest will obtain temperature theta SS equal to 0, then theta 1 theta equal to theta 1 e to power minus t upon tau. The above equation, we can find the right end temperature inside any working machine which is very near to being accurate with plotting a graph for variation of temperature rise time during heating and cooling thermal modeling of a motor get completed. Heating condition or cooling condition. Heating time constant, a motor, it is defined as time required to heat up the motor up to 0.633 time of its final temperature rise. Cooling time constant, a motor, it is defined as time required to cool machine down to 0.368 time the initial temperature rise above ambient temperature.